गाय रमा जो है आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? आप बोलो, आप बोलो मम्मी के बदले, मम्मी के बदले आप बोलो। प्यार करता हूं आप सब लोग बहुत ही मजे में होंगे एंड अच्छे से होंगे एंड होप करता हूं जिनने सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर दो एंड ये मतलब गला फाड़ फाड़ के इसलिए जोरदार चीखे दे रहा हूं बिकॉज आप सब लोगों का प्यार भाई इतना मिल रहा है यार। थैंक यू सो मच इतना प्यार के लिए एंड बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो अभी ऐसे ही सपोर्ट बने रखो हम बहुत इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे एंड सारे लोग कमेंट्स भी किया करो एंड फाइनली आज मैंने घर वालों को मतलब मना लिया कि आज हम सारे लोग जाएंगे पिज्जा खाने के लिए वो भी जिंदगी में पहली बार। ठीक है इन लोगों ने पिज्जा वगैरह खाया है घर में ही वहां नहीं गए रेस्टोरेंट पे कभी तो आज इनको लेके जाते हैं बहुत जबरदस्ती इनको मनाना पड़ा बिकॉज पापा तो ऑलवेज रेडी रहता है इसको बोलो किधर भी जाओ ये तो रेडी। बाकी मामा बोल रही थी नहीं जाएंगे पापा जो टमाटर बाकी जो मम्मी है वो नहीं मान रही थी तो अब क्या ही उनको मैंने मना लिया अब वो आएंगे सारे आज पहली बार जिंदगी में हम जा रहे हैं बाहर पिज्जा खाने के लिए। ओके बाकी गाइस लोगों ने वहां से दूध गिरा दिया इन लोगों ने क्या दूध गिरा दिया ठीक है तील अगर तील पे तेल गए खांदर जल्दी आप एक्साइटेड हो जाने के लिए चलो जाएंगे फिर बढ़िया इसे क्या क्या हुआ भाई साहब फिलहाल जल्दी जल्दी निकलते हैं एंड घर वालों को खिलाते हैं पिज्जा मैं भी खाऊंगा सो लेट्स गो खुशी के चलो जी वो देखो पापा गेट बंद कर रहा है सो जल्दी आ जाओ अरे आप क्यों हंस रहे हो ये क्यों हंस रहे हैं बाबा मेरी बाइक की कीमत अपने 2 रुपए बाइक छालन क्या था सो अभी हम फिलहाल जाने वाले हैं घर वाले पता नहीं क्यों हंस रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा है इनका बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है इनका फिलहाल जैसे जल्दी जाते हैं एंड देखते हैं क्या रहता है। अजीब हरकत क्या बाइक चल 100 मिनट से तेल क्या चल बुझे सालस वालस गीच ये करान इस्तेमाल शैम्पू भाई साहब चलो भाई साहब यहाँ से बारूद गिर रहे चलो गाइस हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ घर वालों का रिएक्शन देखने के लिए बिकॉज ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम पिज्जा खाने आए एंड घर वालों ने बोला शाम को जाएंगे कि शाम को कोई नहीं होता है पता नहीं है क्यों इतना शर्माते हैं पापा ठीक है ये पकड़ दे चलो ना ये क्यों शर्माते हैं इतना चलो अभी फिलहाल जाते हैं ऊपर फिलहाल ऑर्डर मैंने दे दिया है एंड घर वालों को यहाँ से आगे बैक साइड से एक्साइटेड हो खाने के लिए मैंने क्यों बोली नहीं ओ माता जी कैसा है माते कैसे है लगा है आपको माते मत खाते माता माता जी माता ना लगने पूछो मम्मी अभी आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आप बोलो मम्मी के बदले आप बोलो चिकन फिलहाल ये रहा हमारा पिज्जा पापा करो शुरुआत मामा जी ये होता है केचप डालो और खा ये केचप खा रही है मम्मी केचप लग गया ये खेमो ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
गाइस हो चुका है पिज्जा वगैरह भी, सो अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं एंड चलते हैं। अच्छा खासा पिज्जा था, घर वालों ने भी खाया, इनको ज्यादा मजा नहीं आया। फाइनली डिस्कस हो रहा है ये KFC, ओके इसमें मिलता है वो मुर्गा और कुछ मिला कॉकर, उसको भी मजा होता है। देखो गाइस जब मैंने पिज्जा वगैरह इनको खिलाया, पापा को मजा आया एंड मम्मी को उतना ज्यादा मजा नहीं आया, बिकॉज इसको ये सब चीजें खाने की आदत नहीं है, इसको वही वाजवान वगैरह होता है। तो अभी फिलहाल ये बोल रहे हैं कि इनको ज्यादा मजा नहीं आया। बाबा इनको क्यों नहीं ज्यादा मजा आया? आप खाते हो खुद? अभी इनको अच्छे से कुछ और अच्छे अच्छा वाला खिलाएंगे, क्योंकि इनको ये पिज्जा वगैरह मतलब इनको ये सब चीजें खाने की आदत नहीं है। चलो फिलहाल अभी घर निकलते हैं। सो फाइनली पहुंच चुके हैं हम घर भी भाई साहब, यार मजा गया। वापस घर कांगड़ी का मेरे को पता नहीं, पता कांगड़ी कांगड़ी नहीं पता है। ओ चलो कला मकलो क्या गो कांगड़ क्या जरूरत है वंगस फिलहाल। अभी दूसरा दिन एंड अभी मैं उठा हूँ एंड पापा निकले काम पे सुबह सुबह। अभी मेरे को अभी मैंने मुंह भी नहीं धोया है, तो ये देखो पापा निकल रहे हैं। दे दो बैग इधर। ठीक है मैंने बैग में था गॉड ऊपर फाइनली साइकिल यहाँ से निकल चुका है। तो पापा आप तो पापा आपसे मिलते हैं शाम को, आप इंशाल्लाह शाम को जल्दी जल्दी आना, ख्याल रखना, दाली दाली करो। चलो ओके ओके टाटा सी यू, बाद में कॉल करना है। चलो छोड़ेंगे छोड़ेंगे डोंट वरी। ओके ओके चलो भाई साहब निकल चुके हैं, पापा भी काम पे, अभी हम लोग करते हैं काम, अभी हम लोग जाते हैं अंदर मुंह वो धोते हैं एंड चाय पी लेते हैं। पापा तो यार सुबह सुबह निकलते हैं यार, बहुत फील होता है। चलो आप अभी काम पे चले गए, अभी मैं ऊपर हेलमेट को ठीक करने के लिए, इसमें जो माइक लगा के वो देखो यहाँ पे, तो इसको एडजस्ट करना है किसी एक अच्छी जगह पे, तो उसके बाद वो नॉइज वगैरह नहीं आएगी, तो उसको पहले एडजस्ट करते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं इसके बारे में, इसकी आवाज़ ठीक नहीं है। GoPro की क्वालिटी भी ठीक नहीं है, GoPro की क्वालिटी ठीक है, बस जब वो मतलब ये होते हैं ना बादल वगैरह, जब क्लाउड वगैरह होते हैं तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो जाती है, एंड शाम के टाइम तो वो मतलब किसी काम का नहीं है GoPro, मतलब उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं है उसमें शाम के टाइम, दिन में तो वो अच्छा खासा है। फिलहाल इसको हम सेट कर देते हैं माइक को हेलमेट के अंदर किसी अच्छी जगह पे, ठीक है। फाइनली गाइज बहुत मेहनत करने के बाद ये हेलमेट सेट हमारा हो चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर इसको टेस्ट करने के लिए, एकदम माइक आवाज अच्छे से दे रही है कि नहीं, अगर नहीं दे रही होगी तो इसको फिर हम नहीं लाएंगे, ठीक है। सो चलते हैं। अभी आप देख सकते हो अभी GoPro को हम टेस्ट वगैरह कर रहे हैं कि कैसी क्या आवाज आ रही है, तो अभी कमेंट से बता देना कि कैसी आवाज आ रही है, ज्यादा शोर मत आ रहा है, आवाज मत कम आ रही है, बिकॉज मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो यस अभी यही चेक करने के लिए अभी हम घर से निकले, बिकॉज आगे राइड्स वगैरह में भी जाना है तो उस टाइम प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए आप अभी कमेंट से बता सकते हो कैसी आवाज आ रही है। फिलहाल अब चल रहे हैं घर के ही साइड वापस, तो अभी मैं घर में चेक करूंगा कि अच्छे से कि आवाज वगैरह कैसी आ रही है, आप भी कमेंट से बता देना, शोर मत ज्यादा आ रहा है, आवाज मत कम आ रही है, मुझे माइक मत चेंज करनी है, या अगर आपके अगर आप कोई मतलब मोटो व्लॉगर देख रहा है आप में से कोई, तो वो मुझे बता सकता है कि मैं कौन सी माइक यूज करूं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं घर के साइड, और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हो, पार्क में पूरा पानी भरा है, तो चलो चलता है। सो फाइनली मैं अभी घर भी पहुंच चुका हूँ, ऐड हो गई माइक टेस्टिंग वगैरह भी, आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपको आवाज़ वगैरह कैसी लगी, तो अगर आप में से कोई मोटो व्लॉगर देख रहा है तो वो मुझे बोलना कि मेरे को कौन सी माइक यूज़ करनी चाहिए, एंड अभी आप बोलना कि कैसी आवाज़ आई है, तो उसके बाद फिर देखेंगे, ठीक है।
सो यस, आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।